वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी स्टार लर्निंग अप। पिछली वीडियो में हम सेकंड चैप्टर कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फू के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक का फर्स्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, उनको हम किसकी मदद से देख सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। ठीक है, अभी हमने पढ़ा पिछली वीडियो में लास्ट में कि ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स करते हैं किसको, नाइट्रोजन को। ठीक है, एयर से जो सॉइल की फर्टिलिटी है, सॉइल की उर्वरक क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो काम करते हैं। इस पर अल्कोहल प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ अल्कोहल हमने पढ़ा था, अल्कोहल किसकी मदद से प्रोड्यूस किया जाता है, यीस्ट, यीस्ट को मिलाया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट आपका क्या है, कोलेरा। कोलेरा इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक द करेक्ट आंसर। यीस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ, यीस्ट किसके लिए प्रोडक्शन में काम करता है, आपको दे रखे हैं शुगर, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑक्सीजन। ये आपके ऑप्शन ऑप्शन वाले दे रखे हैं आपके, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन आपके ऑप्शन वाले दे रखे हैं। यहाँ देखो, यीस्ट इज़ यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, अभी पढ़ाए ऊपर फिल इन द ब्लैंक्स में। ठीक है, एंटीबायोटिक्स क्या है, एंटीबायोटिक्स आपके पास आया था एक बार स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, और टेट्रासाइक्लिन, ये आपके, ये क्या है आपके एंटीबायोटिक्स। ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उत्पन्न होते हैं और जो ख़तरनाक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको ख़त्म करते हैं बॉडी के ऊपर या बॉडी के अंदर जो भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, कैरियर ऑफ मलेरिया कोजिंग प्रोटोजोआ। देखो, मलेरिया का मैंने आपको मादा एनाफिलीज मच्छर बताया था, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, और डेंगू का एडिस, फीमेल एडिस। ठीक है, AEDES एडिस, मॉस्किटो बताया था। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज इज, कम्युनिकेबल डिजीज में देखो सबसे कॉमन कैरियर कौन सा होता है, सबसे कॉमन कैरियर होता है हाउस फ्लाई, सबसे पहले ही पढ़ा था हमने ये टॉपिक डिजीज वाले पॉइंट में। नेक्स्ट क्या है, द ब्रेड और इडली डफ फ्राइज इज बिकॉज ऑफ, देखो ब्रेड, इडली, ठीक है, केक, ये सारे हमारे किसकी वजह से फूलते हैं, जो इनका आटा होता है इसका जो, वो किसकी वजह से फूलता है, वो आपका फूलता है ग्रोथ ऑफ यीस्ट सेल, यीस्ट की वजह से वो ग्रोथ होती है उसमें। ठीक है, यीस्ट मिलाते हैं उसमें, द कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल, देखो शुगर से अल्कोहल, शुगर अल्कोहल, याद रखना अल्कोहल, ये जो प्रोसेस है ये फर्मेंटेशन कहलाती है, मैंने आपको बताया भी था फर्मेंटेशन प्रोसेस आएगी, फर्मेंटेशन। ठीक है, ये फर्मेंटेशन आपकी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, मैसे द ऑर्गेनिज्म इन कॉलम फर्स्ट विद देयर एक्शन इन कॉलम सेकंड। देखो, ये यहाँ पर हमारे ऑर्गेनिज्म दे रखे हैं, इनका जो काम है वो इधर दे रखा है। ठीक है, ये हमें बताना है, ये आपका एक आपका जो है कॉलम सेकंड में एक्स्ट्रा दे रखा है कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, तो बैक्टीरिया क्या कोज करता है, राइजोबियम, लैक्टोबैसिलस, यीस्ट, प्रोटोजोआ, ए वायरस। देखो, जो चीज़ तुम्हें याद है सबसे पहले उसको फिल किया करो, उसको मैच किया करो, जैसे कि आपको पता है यीस्ट का अभी पढ़ा था। ठीक है ना, बेकिंग ऑफ किस में किया जाता है, यीस्ट का बेकिंग ऑफ ब्रेड में। ठीक है ना, प्रोटोजोआ आपको पता है, प्रोटोजोआ क्या करता है, मलेरिया कोज करता है, प्रोटोजोआ मॉस्किटो के बारे में पढ़ा था आपने। ठीक है, वायरस क्या कोज करता है, एड्स। ठीक है, बैक्टीरिया के थ्रू क्या होता है, कोलेरा,
अभी पढ़ा था लास्ट टाइम। ठीक है, राइजोबियम क्या करता है, फिक्सिंग नाइट्रोजन करता है, लैक्टोबैसिलस स्टिंग ऑफ कर्ड। ठीक है, ये आपकी मैच द कोलम हो गए। नेक्स्ट, बैक्टीरिया कोजिंग कोलेरा, राइजोबियम फिक्सिंग नाइट्रोजन, लैक्टोबैसिलस सेटिंग ऑफ कर्ड, यीस्ट बेकिंग ऑफ ब्रेड, प्रोटोजोआ कोजिंग मलेरिया, ए वायरस दैट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, कैन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बी सीन विद द नेकेड आई, इफ नॉट हाउ कैन दे बी सीन, किस तरह से देखे जा सकते हैं, क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नग्न आँखों से देखा जा सकता है, अगर नहीं देखा जा सकता तो हम कैसे देख सकते हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या है, हम नेकेड आई से नहीं देख सकते क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं, उनको हम मैग्नीफाइंग ग्लास या माइक्रोस्कोप से देखते हैं। ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लास या फिर माइक्रोस्कोप से देखते हैं। जैसे फंगस होती है, ब्रेड पे होती है, ये छोटी होती है, हम इसको सिर्फ मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं और माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हैं, लेकिन नेकेड आई से नहीं देख सकते। ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लास से हम देख सकते हैं फंगस को जो ब्रेड पर ग्रो करती है। नेक्स्ट क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखो मेजर ग्रुप आ गए आपके, मैंने बताया था आपको मेजर ग्रुप कौन कौन से हैं, बैक्टीरिया है, फंगी, प्रोटोजोआ, वायरस, एल्गी, हमने सिर्फ चार पढ़े थे इसमें। ठीक है ना, मेजर ग्रुप चार पढ़े थे पीछे। देखो बैक्टीरिया सिंगल सेल डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, स्पायरल हो सकते हैं, रोड शेप्ड हो सकते हैं, यानी कि गोल हो सकते हैं, स्पायरल ऐसे। ठीक है, और रोड शेप्ड हो सकते हैं इस तरह से। ठीक है, और नेक्स्ट आपका फंगी, दे आर मोस्ट मल्टी सेलुलर डिजीज कोजिंग माइक्रोब्स, ब्रेड मोल्ड्स आर कॉमन एग्जांपल ऑफ फंगी। देखो ये डिजीज कोजिंग माइक्रोब्स होते हैं मल्टी सेलुलर। ठीक है, ब्रेड मोल्ड्स वाला आपको याद है। प्रोटोजोआ क्या है, प्रोटोजोआ मेन क्रूड ऑर्गेनिज्म सच एज अमीबा, पर प्लाज्मोडियम, दे कैन बी यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर, ये एग्जाम्पल दे रखे हैं अमीबा, प्लाज्मोडियम, ये प्रोटोजोआ में आते हैं। ठीक है, ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर आपको याद रखना है, दोनों हो सकते हैं। ये फंगी भी यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, और बैक्टीरिया सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक ही सेल होती है इनमें। ठीक है, प्लाज्मोडियम, वायरस क्या है, डिजीज कोजिंग माइक्रोब्स होते हैं। ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिज्म के अंदर रिप्रोड्यूस करते हैं। एल्गी क्या है, मल्टी सेलुलर है, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, जैसे स्पायरोगायरा, क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, स्पायरोगायरा, क्लेमाइडोमोनास, ये आपको एग्जांपल याद रखने हैं एल्गी के। फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करके अपना भोजन बनाता है, लेकिन है ये माइक्रोब्स। ठीक है, ये मल्टी सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल। देखो बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, ये बात अच्छी तरह दिमाग में बैठ जाएगी कि नाइट्रोजन को कौन फिक्स करता है सॉइल में। राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं जो सॉइल में, वो भी नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, और यूजेबल नाइट्रोजिनस कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, यूजेबल नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं, और ये कंपाउंड प्लांट के द्वारा आसानी से ले लिए जाते हैं और अपना जो प्लांट प्रोटीन बनाता है उसके लिए और जो भी यौगिक बनाता है उसके लिए वो यूज़ कर लेते हैं उसको। ठीक है, आसानी से। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है, 10 लाइन यूजफुलनेस, इस पर 10 लाइन लिखनी है आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे, जो हमारी ज़िंदगी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल होता है उसके ऊपर। ठीक है, ये देखो वो छोटे होते हैं, इनको नेकेड आई से कैन बी सीन थ्रू नेकेड आईज, इनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। ठीक है ना, और दे वाइटल टू प्लांट एंड एनिमल, इम्पोर्टेंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाइन मेकिंग, बेकिंग, पिकलिंग, अदर फूड मेकिंग प्रोसेस,
अचार का और बेकरी का सामान और आपका मदिरा वगैरह बनाने का प्रोडक्शन में इसका प्रयोग किया जाता है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में यीस्ट का प्रयोग किया जाता है वाइन ब्रेड वगैरह बनाने में, ठीक है। और बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस का प्रयोग फॉर्मेशन ऑफ कर्ड का कर्ड में किया जाता है, ठीक है। दही बनाने में किया जाता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो होता है, ये आपको याद रखना है। यीस्ट का प्रयोग अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और ब्रेड बनाने में, ठीक है, वाइन वगैरह एग्जांपल याद रख लेना। और आपका लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया कर्ड दही बनाने में, ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। और देखो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, पॉल्यूशन को रिड्यूस करता है, बैक्टीरिया फंगी ब्रेक डाउन डेड बॉडीज एक्सक्रीटर टू फॉर्म इन ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कैन बी एब्जॉर्ब बाय प्लांट। देखो ये जो वेस्ट मटेरियल होते हैं जो मिट्टी के ऊपर पड़ा होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल, चाहे वो कोई प्लांट डेड है, ठीक है, कोई एनिमल डेड है, तो वो क्या है एक्सक्रीटरी, वो क्या बोलते हैं उसको, वेस्ट मटेरियल पड़ा हुआ है। और इसके अलावा अलावा जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल पड़ा होता है उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट कर देते हैं, और कन्वर्ट करके उसको बहुत तो माइक्रो मोलिक्यूल्स बना के मिट्टी में मिला देते हैं, जिनको प्लांट्स दोबारा एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। इनको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड में। एक ऑर्गेनिक होता है, एक इनऑर्गेनिक होता है। ऑर्गेनिक जो भी चीज़ कार्बनिक होती है, कार्बनिक पदार्थ, ठीक है, वो ऑर्गेनिक होते हैं। ऑर्गेनिक की प्रॉपर्टी ये भी होती है कि ये आसानी से सड़ गल जाते हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक की प्रॉपर्टी ये भी होती है कि आसानी से सड़ते गलते नहीं हैं, ठीक है। और क्या है, दे कैन बी यूज्ड इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी टू फिक्सिंग द, देखो सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं और एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं हेल्प ऑफ बैक्टीरियम राइजोबियम। देखो ऊपर पढ़ा है ये पॉइंट फिर दोबारा आ गया, बैक्टीरियम राइजोबियम से और ब्लू ग्रीन एल्गी नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, ठीक है भाई। माइक्रोब्स इंपॉर्टेंट प्ले रोल करते हैं मेडिसिन बनाने में, एंटीबायोटिक्स जो केमिकल प्रोड्यूस करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बैक्टीरिया को किल करने के लिए, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन है, ये एक एंटीबायोटिक्स है। सर्टेन माइक्रोब्स यूजफुल होते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, जैसे कि गंदा वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, ठीक है, फैक्ट्री वगैरह से, और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। इनमें क्या होता है माइक्रोब्स को, जैसे वाटर होता है, जैसे सीवेज वाटर होता है, सीवेज वाटर में जो गंदगी होती है ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उसको ख़त्म करने के लिए, ठीक है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को छोड़ दिया जाता है, बैक्टीरियल ग्रोथ की जाती है उसकी। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, शॉर्ट पैराग्राफ देना है, हार्म कुज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या नुकसान होते हैं, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखो ये डिजीज़ कुज करते हैं, ये देखो नीचे डिजीज़ लिख रहा है, जैसे कि ह्यूमन बैक्टीरिया कुज डिजीज सच एज ट्यूबरकुलोसिस कोलेरा टाइफाइड हैजा है टीबी है, ठीक है ना, मोती जरा है, ये सारी बीमारियां कोज करता है। कैटल में फुट माउथ डिजीज, ठीक है, और इसके अलावा वायरस, वायरस के थ्रू फुट माउथ डिजीज हो जाती है। सेवरल माइक्रोब्स कोज इन प्लांट डिजीज, कोज इन प्लांट फॉर एग्जांपल प्रोडक्टिविटी ऑफ वीट ऑरेंज एप्पल इट इज रिड्यूस्ड ड्यू टू द माइक्रोबियल डिजीज इन प्लांट। देखो एप्पल वगैरह और आपके फ्रूट वगैरह के प्लांट जो होते हैं, इनसे इनमें क्या होता है, जो प्रोडक्शन होता है वो कम हो जाता है, किसके थ्रू, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू, ठीक है, बीमारियां फैलाते हैं प्लांट के अंदर भी। और सर्टेन माइक्रोब्स ऑन एंटरिंग आवर बॉडी प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस, ये जहरीला पदार्थ हमारी बॉडी में निकालते हैं अगर अंदर चले जाते हैं, तो इससे क्या है फूड पॉइजनिंग हो जाती है। इसके अलावा ये फूड पॉइजनिंग में भी काम करते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड को स्पॉइल ख़राब करने में काम करते हैं, और फॉर एग्जांपल जैसे ब्रेड होता है, ठीक है,
ब्रेड क्या है, लेफ्ट अनयूज्ड अंडर मॉइस्चर कंडीशन गेट स्पॉइल्ड बाय फंगस प्रोड्यूसिंग वाइट कॉटन लाइक। देखो रुई जो कॉटन होती है, ठीक है, कपास टाइप की स्ट्रक्चर जो होती है उसके ऊपर बन जाती है रुई की स्ट्रक्चर जैसी। जो ब्रेड होता है उसको रेनी सीजन में बहुत जल्दी ख़राब होता है खाना, और आपके जो ब्रेड होती है रोटी भी, और ठीक है ये चीज़ें आपकी क्या है बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है खाने का जो प्रोडक्ट होता है। इसके अलावा नेक्स्ट है 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, व्हाट प्रिकॉशन शुड बी मस्ट बी टेकन वाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं और क्या आपको प्रिकॉशंस लेनी चाहिए जब भी कोई एंटीबायोटिक्स लेते हैं, क्या सलाह लेनी चाहिए आपको कि एंटीबायोटिक्स मेडिसिन प्रोड्यूस बाय सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिम टू किल अदर डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिम, दीज मेडिसिन आर कॉमनली ऑब्टेंड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगी, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन कॉमन एंटीबायोटिक्स। भाई कुछ एंटीबायोटिक्स जो एंटीबायोटिक मेडिसिन होती हैं जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिम के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिम जो बीमारी फैलाते हैं उनको किल करने में काम आती हैं, ये क्या है ऑप्टेन की जाती हैं, ऑप्टेन फ्रॉम बैक्टीरिया फंगी, ठीक है बैक्टीरिया और फंगी फफूंद से और बैक्टीरिया से जीवाणु से, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन, ये एंटीबायोटिक्स के नाम है, ये कॉमन एंटीबायोटिक्स हैं जिनको डॉक्टर नॉर्मल मेडिसिन के साथ देते हैं। प्रिकॉशन क्या है, सलाह क्या है, किसी भी अच्छे डॉक्टर से इस जब भी एंटीबायोटिक्स लेते हैं डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, ठीक है। और जब भी एंटीबायोटिक्स का कोई कोर्स चल रहा हो तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको पूरा ये सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर आपको पूरा करना होगा, ठीक है, कोर्स को कंप्लीट करना चाहिए। एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन इन राइट अमाउंट, इसको हमें ठीक अमाउंट में लेना चाहिए जितनी ज़रूरत है उतना, ठीक है। अगर रॉन्ग डोज अगर हमने ज़्यादा या फिर गलत तरीके से एंटीबायोटिक्स को यूज़ किया तो कोई भी दवाई क्या करती है फिर बाद में हमारी बॉडी पे काम नहीं करती, ठीक है, ये क्या है बाद में बॉडी पे काम नहीं करेगी कोई भी दवाई। तो और बहुत ज़्यादा एक्सेसिव कंजप्शन, बहुत ज़्यादा ड्रग एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो ये क्या है हमारे जो यूज़फुल बैक्टीरिया होते हैं उनको ख़त्म कर देते हैं। यूज़फुल हमारी बॉडी में बैक्टीरिया होता है जैसे ई कोलाई बैक्टीरिया, देखो ई कोलाई बैक्टीरिया, ई कोलाई बैक्टीरिया एक बैक्टीरिया है जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है जहाँ पे हमारा डाइजेशन होता है, बॉडी का भोजन जो होता है वो पचता है, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी में प्रेजेंट भी होते हैं, ठीक है, सभी के जैसे एनिमल्स के रूमिनेंट्स में प्रेजेंट होते हैं पेट में, ठीक है, वो उसको सेलुलोज होता है जो एनिमल क्या है वेस्ट वो क्या ग्रीन प्रोडक्ट्स खाते हैं मतलब घास फूस खाते हैं तो उसको पचाने में मदद करते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया उनके रूमिनेंट्स में होते हैं। ये यहाँ पर कंप्लीट होता है आपका सेकंड चैप्टर, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे थर्ड चैप्टर।